कितना बड़ा घर है आपका? बहुत छोटा मकान, सफाई करनी हो ना फूक मारदा सफाई। गड्डी घर के बाहर खड़ी करे ना, घर लुक जाता है। काम क्या खेल लेते हैं आप बंदर से? वीरा जी मैं काम से वापस आता था, दरवाजा खोलता था। अच्छा। और जब मैं घर से जाता था मुझे बाय बाय करता था। तो क्या बंदर गुजर गया, फौत हो गया? नहीं, बंदर है, बंदर है वे। अच्छा। और समझदार हो गया। अब वो काम पे जाता तो ये बाय बाय करती। अच्छा अजहर साहब आपने क्या पेट रखा था? यार मैंने पेट क्या रखने थे, मेरे घर के पास ना एक रेड़ी वाला था, उसका एक गधा था, एक दिन गुम हो गया। उसका भाई जो था ना मालिक, मेरे घर आके उसने बैल दी। हाँ। तो कहता है तेरा कजन नहीं लग रहा। नहीं वो ऐसी बात नहीं, उसने कहा कि अपने ना कैमरों की फुटेज में देखें गधा किस टाइम यहाँ से गुजरा है। क्योंकि ये घर के कैमरे ना उस घोड़ा घोड़ी खोता खोती आराम ना ला जाते, बल्कि खोता लंघ रहा ना बंदे लेंदा ही नहीं, सफाई करनी हो ना फूक मारदा सफाई। गड्डी घर के बाहर खड़ी करे ना, घर लुक जाता है। मैं कसम चुक के तुम दस दिना कि अज मैं शो ते इन्हां दी गड्डी ते आया। ओए होए अच्छा जी। हाँ जी, और मेरी गड्डी किधर गई सी? अच्छा जी। मैं इन्हां कॉल कीती, मैं कहा साहब अपनी गड्डी भेज दिओ, ये साडा बच्चा हैगा ऑक्सी। अच्छा। मैं उन्हां कहा बेटा एसी चला दे। ओए होए वह जो तूफान का तुम सुन रहे हो ना कि आ रहा है हाइपर जॉय भाई, एसी चो इंज मिट्टी निकली है। हूँ मैं शहर तक ला ला गड्डी वज जानी है अंदर, इन्ना कच्चा हो गया। क्योंकि इन्होंने कभी एसी चलाया नहीं है, वो बंद रहता है। जून के महीने में एसी नहीं चलता। मैं हाथ वाला पक्का रखे हुआ है, हाथ वाला पक्का रखे, एक हाथ नाल गड्डी चलांदा है, एक हाथ नाल दे बंदे नाल बैठन चलता भी रहता है। तुहानूं पता है कि इहदी गड्डी चल रही हो ना, तो गर्मी है तो पसीने आए ने, एसी कहण लग पैंदा चला ला मैनू। एडा स्पीड ब्रेकर आवे ना गड्डी टप्पे तो पिछों डिग्गी खुल जाती, और जोर ने डिग्गी बंद करे तो बोनट खुल जाता। अगर गड्डी लत मारो सारी गड्डी खुल जाती। एक किलोमीटर गड्डी चलावे ना तो गड्डी तौलिया कट के अपना मुंह साफ कर दी। तो नेक्स्ट खबर क्या है जी? खबर है कि दुनिया का बुलंदतरीन रेस्टोरेंट सोशल मीडिया पर वायरल, बादलों के दरमियान मजेदार खाने खाएं और लुत्फ उठाएं। अरे बिल ना दे सके तो फिर आप भाग भी नहीं सकते कहीं, पैसे नहीं तो निकलेंगे कैसे? ये रेस्टोरेंट तो टिशू तो नहीं देंगे, थोड़ा जा बदल तोड़ के मुंह साफ कर। वैसे हजारों फीट बुलंदी के ऊपर रेस्टोरेंट होगा तो वाकई बादल आसपास ही घूम रहे होंगे। इतनी ऊंचाई पे तो कान बंद हो जाते, इशारे नाल ही पूछते होने की खाना। अच्छा वीना मुझे ये बताएं कि ये कोई टॉप है जो बादल है इर्द गिर्द, या कोई अलग से कोई झूला लटका हुआ? ये क्या है? अच्छा आपके हाथ तो बताएं कि आखिर यहाँ पे लोग जाते कितना।